हेलो हाय जिया हाय ध्रुव कहो अच्छा सुनो कल हम सब दोस्त पिकनिक के लिए जा रहे हैं ओके पिकनिक पे हाँ सुबह 6:30 बजे तुम तैयार है ना मैं तुम्हें पिकअप करूंगा ओके ओके मैं तैयार रहूंगी बाय ध्रुव बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम सात बजने आ गए ये ध्रुव कहाँ रह गया अरे बेटी जिया इतनी सुबह सुबह तो क्या कर रही है नानी आज हम सब फ्रेंड्स ना पिकनिक पर जा रहे हैं देखो ना ध्रुव 6:30 बजे मुझे पिकअप करने आने वाला था अभी तक नहीं आया अब आता ही होगा हेलो ध्रुव कहाँ हो तुम अच्छा जिया तुम रेडी हो ना कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा अच्छा आज तारीख क्या है ठीक 1st April Really? Got you April Fool! April Fool? Sorry, Jia, it was just a joke. Nani, मुझे April Fool बनाया. नहीं 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 रोते नहीं बच्चे रोते नहीं. तो हम उसे ना गधा बना देते हैं. या तो फिर काला कौवा. April Fool? आज 1st April है? अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया. इससे पहले कि कोई मुझे April Fool बनाए. मैं किसी को बनाता हूँ लेकिन किसे किसे उसे बनाता हूँ जो 365 दिन साल के मुझे फूल बनाता है मानना पड़ता राजा तुम पराठे बहुत ही अच्छा बनाते हो और नहीं मिलेगा मैं और थोड़ी ना मांग रही थी मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी ऐसे तुम इतने अच्छे पराठे कैसे बनाते हाथों से लेकिन मुझसे इतने अच्छे पराठे क्यों नहीं बनते क्योंकि आप हाथों से नहीं बनाती इसलिए तो फिर मैं कैसे बनाती हूँ जादू से हाँ मामा टेस पराठों में नहीं बल्कि बनाने वाले के हाथों में होता है अभी तुम्हें अपने हाथ पैरों को तकलीफ देनी है तो तुम दो अपनी ताकत का इस्तेमाल तुमने करना चाहती मत करो लेकिन मैं तो बस यूं किया तो पराठे यूं किया तो लस्सी और यूं किया तो सारे पेट में मम्मा कभी तो आम इंसान की तरह बिहेव करो सर ट्राई करके देखो कितना मजा आता है No, thank you. मुझे आम बनने का बिल्कुल शौक नहीं मैं स्पेशल की ठीक हूँ हे भगवान काश कोई ऐसा जादू होता जिससे हमेशा के लिए हमारे ये जादू खत्म हो जाता ऐसा मत बोल बेटा पता नहीं कब किसी की बोली हुई बात सच हो जाए नो 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 जानू क्या बात है आज तुम इतने थके थके और परेशान क्यों लग रहे हो बंदा क्लिनिक में खाली बैठे बैठे क्या थकेगा नहीं क्या है कि कोई मरीज तो आता नहीं है तो हमारे डॉक्टर साहब खुद मरीज हो गए प्लीज आप भी आप इनके बारे में ऐसा मत बोलो बोलने दो राधा बोलने दो आज मम्मी जी को बोलने दो मम्मी जी हाय 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 इतने प्यार से तुम्हारी तबीयत वाकई खराब है ना ठीक मम्मी जी अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ पता है मम्मी जी आज क्लिनिक में एक पेशेंट आया था आज तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लाइफ में पहली बार किसी मरीज को देखा है मैं उसका इलाज कर रहा था पता है उसका क्या प्रॉब्लम था क्या प्रॉब्लम था उसे फोबिया था फोबिया कैसा फोबिया हाइट से नहीं लाइट से नहीं अंधेरे से नहीं सवेरे से नहीं पानी से नहीं नानी से नानी से हाँ मतलब अपने बच्चों की नानी से अपनी सास से वो अपनी सास से बहुत दुखी था और आज वो टोटली दुखी हो गया क्यों सास ने उसे मारा नहीं वो खुद मर गई तब तो उसे बहुत खुश होना चाहिए ऑन द कॉन्ट्ररी आज मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी सास से कितना प्यार करता था कितना चाहता था और उसकी सास भी उसे कितना प्यार करती थी कितना चाहती थी आज वो जैसे उसकी याद में पगला गया बेचारा राधा मैं पागल नहीं बनना चाहता मैं पागल नहीं बनना चाहता हूँ तुम्हें बनने की तो जरूरत ही नहीं है ना है ना वैसे तुम बन सकते भी नहीं हो क्योंकि मैं इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं मरूंगी पता है मुझे मुझे मार के ही मरूंगी मम्मी जी मेरा मतलब नानी जी मम्मी जी प्लीज मैं आपके साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहता हूँ तू मेरी बेटी को छोड़ रहा है क्या मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दो आप इतनी बुरी नहीं हो जितना मैं समझता था चाहो तो मुझे अपना लो मुझे गोद ले लो पति को हुआ क्या ये पागल तो नहीं हो गया पागल ना हो जाओ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ
मम्मी जी अब मुझे पता चल गया है कि अब आप यहाँ से फूटने वाली नहीं हैं। अब आपका और मेरा साथ जैसे टायर और ट्यूब का, जैसे फांसी और फंदे का, जैसे जूते और मोजे का। इससे बुरे एग्जांपल नहीं दे सकता था तू? मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ना मुझे तुम अपना जैसे समझ लो, मुझे परी समझ लो। परी परी नहीं तो परा समझ लो। आज के बाद इस घर में जो कुछ भी होगा जादू के साथ होगा। आज के बाद मुझे आप लोगों के जादू से कोई एतराज नहीं। आज के बाद तुम्हारे पापा मेरे पापा, आज के बाद तुम्हारी मम्मी जी मेरी मम्मी जी। मम्मी जी मुझे माफ कर दो मम्मी जी। ठीक है ठीक है, पाँव छोड़ो पाँव छोड़ो। नहीं पहले आप मुझे आशीर्वाद दो, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नया जन्म हुआ है। अच्छा ठीक है, दूधो ना पूतो फलो। इसी बात पर ठंडा ठंडा दूध और आलू के पराठे हो जाए। गुड आइडिया, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ, मुझे तुम्हारे पराठे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे मम्मी जी के जादुई पराठे चाहिए। हाय हाय, क्यों नहीं, अभी लो मेरे बच्चे। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग आते जाते मेरा दामाद खाए आलू के पराठे। क्या हुआ मम्मी जी? तुम्हारे प्यार में ना शायद मैं मंत्र गलत पड़ गई। श्रिंग सर्वलिंग गेहूं के आटे, मेरा दामाद खाए आलू के पराठे। तुम्हारी मम्मी जी मुझे आलू के पराठे नहीं खिलाना चाहती है। ऐसी बात नहीं, श्रिंग ब्रिंग मारूंगी चाटे, जल्दी से आजा आलू के पराठे। आलू के पराठे, श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग आलू के पराठे पराठे। ये क्या हो रहा है? पता नहीं ना, मेरा जादू काम ही कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मा मम्मा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जुकाम हो गया है? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चेक करता हूँ। दांत दिखाइए, मुंह खोलिए, कान दिखाइए, आप तो बिल्कुल ठीक हो। फिर आलू के पराठे क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब मुझे पराठे नहीं मिलेंगे। राधा मंगा लेगी ना? राधा तुम मंगा। ठीक है, नरी बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, बनाने का नहीं, जादू से मंगा कर खिलाए इसे। नहीं मम्मा, इन्हें ना मेरा जादू करना पसंद नहीं है। है नहीं, था था। अब तुम जो कुछ करोगी जादू के साथ करोगी, जादू मतलब जानू। लेकिन जानू क्या जरूरत है, मैं बना के लाती हूँ ना। इसका मतलब तुमने मुझे काबिल नहीं समझा मम्मी जी। राधा मंगाना, मंगाते ना डांटते क्यों? श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, मेरा जानू करे कराटे, खाके स्वाद भरे शक्ति भरे आलू के पराठे। तुम्हारा भी कोशिश कर रही हूँ ना। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, गुलाब के कांटे भेज आलू के पराठे। हाँ राधा, तेरा जादू भी काम नहीं कर रहा है? नहीं मम्मा। नहीं नहीं, फिर से कोशिश करना करना। कर रही हूँ ना। हाँ, आलू के पराठे, श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, आलू के पराठे पराठे पराठे। क्या इनकी जादुई ताकत वाकई काम नहीं कर रही? हे भगवान, कुछ कर कि ये लोग हमेशा ऐसे ही चुटकी बजाते रह जाएं। क्या हुआ, तुम लोग का जादू काम नहीं कर रहा है? पता नहीं क्यों ये पराठे नहीं आ रहे, पता नहीं। पराठे नहीं तो कुछ और जादू ट्राई कर लीजिए। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग मनाली टू कुल्लू, बन जाए मेरा दामाद उल्लू। क्या मैं उल्लू बना क्या? अरे मम्मा बना रही है ना। लेकिन बना तो नहीं ना, ये क्या हो रहा है? राधा कहीं तेरी बोली हुई बात सच तो नहीं हो गई कि हमारा ये जादू खत्म हो जाए? लेकिन मम्मा मेरा भी जादू काम नहीं कर रहा। तेरा भी नहीं कर रहा है, मेरा भी नहीं कर रहा है, जिया का जादू कर रहा है या वो भी नहीं? हाँ मेरा जादू पहले भी कहाँ चलता था, बैंगन बनाओ तो बंदर, बंदर बनाओ तो गधा। अरे गलत है सही, तो ट्राई तो कर। लेकिन क्या करूँ अब, कुछ भी अब, जिया कुछ भी बना कुछ भी मंगा, लेकिन जादू कर जिया प्लीज। ठीक है, श्रिंग भ्रिंग सर्वलिंग, लेकिन क्या करूं? अरे कुछ भी कर, अपने डैडी को मेंढक बना दे। मम्मी जी आप मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तो आपसी रिश्ता सुधार रहा था ना। तो थोड़ा सा और सुधार लेना बेटा, मेंढक बन जा। चल चल बना दे मेंढक। सॉरी डैडी, श्रिंग भ्रिंग सर्वलिंग, दिल करे धक धक, मेरे डैडी को बना दो मेंढक। बना क्या? इसका जादू भी गया, अब क्या होगा? हमारा तो जादू खत्म ही हो गया ना, अब क्या करें? करना क्या है मम्मा, बस अब हमें आम इंसान की तरह जीना पड़ेगा और क्या। नहीं नहीं नहीं, मैं इस तरह नहीं जी सकती। कहाँ चुटकी बजाते ही सारा काम हो जाता था और कहाँ जरूर किसी की नजर लगी है। मम्मी जी मेरी नजर? मम्मी जी मैं तो आपसे रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहा था। मैं आता हूँ। लेकिन नानी,
क्या इसका मतलब है कि हमारा जादू अभी कभी काम नहीं करेगा? पता नहीं बेटा,